हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज फर्स्ट आज लॉन्च की जा रही है। एक एक करके सारी टेस्ट सीरीज आपकी जो जो स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट से इतिहास विषय से आपके सीबीएसई यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर सहित हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि चार ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको हमें कमेंट करके सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो वन है उसमें मैच करने के लिए सूची वन और सूची टू को मैच करना है, जिसमें सूची नंबर वन में हड़प्पा कालीन स्थल और सूची टू में पुरातात्विक अवशेष को मिलान करना है। सूची वन में दिया गया ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी सुकाजेन दौर। सूची सेकंड जो है पुरातत्व अवशेष कौन से है आपको देखना है, नगर दुर्ग और निचली बस्ती, सेकंड बड़ा अन्नागार, थर्ड ईंटों से बनी गूदी, फोर्थ नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। इन दोनों को मैच करके आपको आंसर हमें कमेंट करके सेंड करना है। मैच करके नीचे इसके आंसर दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन सही होगा उसको आपको हमें सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो टू है उसमें पूछ रहा है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में निम्न में से किन का उल्लेख है, नीचे दिए कोड का प्रयोग कीजिए। पहला ऑप्शन है सातकर्णी, सेकंड है वह सतिमित, थर्ड सक, फोर्थ रठिक। करेक्ट आंसर आपको नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है उसको आपको हमें कमेंट करके सेंड करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन इसका हो सकता है। तो क्वेश्चन में एक बार दोबारा से पढ़ रहा हूँ, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में निम्न में से किनका उल्लेख है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करें। जैसे पहला है सातकर्णी, दूसरा वह सतिमित, थर्ड सत और फोर्थ रठिक। इन चारों को चेक करके आपको हमें आंसर सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो थ्री है उसमें सूची नंबर वन में लेखक और सूची नंबर टू में पुस्तक दी है, मैच करना है कि कौन सी लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो लेखक कौन कौन से आपको बता रहा हूँ, ए बी सी डी लेखक दिए हुए हैं और 1 2 3 4 5 पुस्तक दिए हुए हैं। तो लेखक कौन कौन से, बिल्हण, वाण, सोमेश्वर, थर्ड विज्ञानेश्वर। पहला ऑप्शन कौन सा है, पहला है बिल्हण, वाण, सोमेश्वर, थर्ड विज्ञानेश्वर। पुस्तक कौन सी है, पहली पुस्तक है मिथाक्षरा, सेकेंड हर्षचरित, थर्ड लसितार चिंतामणि और फोर्थ विक्रमा देव चरित्र। इस तरह से लेखक और पुस्तक दिए हुए हैं और दोनों को आपको मैच करके हमें करेक्ट ऑप्शन जो भी आपको लग रहा है 1 2 3 4 में से उसको करेक्ट ऑप्शन में कमेंट करके सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसमें है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है, मतलब कौन से मैच नहीं करते हैं, जो जोड़े दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मिप्ता उल फुतुह अमीर खुसरो, बी है तारीख ए सलातीन ए अफगाना ख्वाजा नियातुल्ला हराबी, सी है सियासतनामा का इसका है निजामुल मुल्क तूसी और फोर्थ ऑप्शन है जफरनामा यहा सर हिंदी। तो इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है उसको आपको हमें कमेंट करके शेयर सेंड करना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। करेक्ट चार ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है वो आपको हमें कमेंट करके सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसमें भी मैच करने के लिए है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है। सूची फर्स्ट में क्या है, आमिल, बी बक्काल, सी पाई, डी कुलकर्णी। सूची सेकंड में फर्स्ट है अनावासी खेतिया, सेकंड ग्रामीण लेखाकार, थर्ड राजस्व संग्राहक और फोर्थ व्यापारी। आपको सूची वन और सूची टू को आपस में मैच करके हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है आपको हमें सेंड करना है आपके साथ जो भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर के साथ आपके लिए सामने उपस्थित होंगे और पूरे एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर जो सिक्स है उसमें सूची वन और सूची टू इसमें मैच करने के लिए है।
सूची वन में ए बी सी डी चार आपके ऑप्शन है और सूची टू में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है। सूची वन में दिया है मलिक उत्तुचा, बी विश्वा, सी कुशक, डी मावास। सूची सेकंड में दिया है एक रिहायशी किला, सेकंड है एक किलेबंद गांव, थर्ड जमीन की पैमाइश की छोटी इकाई और फोर्थ है व्यापारियों का मुखिया। इनको आपको मैच करके हमें आंसर सेंड करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको वो हमें सेंड करना है। प्रश्न नंबर जो सेवन है, क्वेश्चन नंबर सात, इसमें निम्न मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। मकबरे दिए हुए हैं और उनके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, बी है आसफ खान का मकबरा लाहौर, सी है अतका खान का मकबरा दिल्ली और डी है अकबर का मकबरा सिकंदरा। तो इनको कालक्रम के अनुसार आपको मैच करके नीचे जो कूट उसमें आंसर दिए हुए हैं, आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। चार ऑप्शन दिए ए बी सी डी, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन आपको हमें सेंड करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। मैं एक बार फिर से इसको रीड कर रहा हूँ। निम्न मकबरों को उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, बी है आसफ खान का मकबरा लाहौर, सी है अतका खान का मकबरा दिल्ली और डी है अकबर का मकबरा सिकंदरा। तो इस तरह से चार ऑप्शन नीचे दिए एबीसीडी, जो भी आपको सही लग रहा है उसको आपको हमें सेंड करना है कि कौन सा आंसर सही है। प्रश्न नंबर जो एट है उसमें पूछ रहा है अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को काल क्रमानुसार सजाएं और सही उत्तर कूट का चयन करें। अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को काल क्रमानुसार सजाएं, सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट है सालवाई की संधि, बी है बसीद की संधि, सी है श्री रंगपट्टन की संधि और डी है इलाहाबाद और करा की संधि। इस तरह से उनके कालक्रम अनुसार आपको मैच करके नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को हमें आपको सेंड करना है कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको हमें उसको कालक्रम अनुसार चेक करके आपको हमें कमेंट करके सेंड करना है। प्रश्न नंबर जो नौ है उसमें पूछ रहे हैं भारतीय प्रेस से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। भारतीय प्रेस से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ए है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, बी है द इंडियन प्रेस एक्ट, सी है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11, डी है द इंडियन प्रेस एक्ट। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का आपको चयन करना है कि कौन सा आपका करेक्ट आपका आंसर है। तो नौ क्वेश्चन नंबर नौ जो है उसमें भारतीय प्रेस से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए बोला है। पहला है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, बी है द इंडियन प्रेस एक्ट, सी है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट XI और डी है द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ए सी डी बी, सेकंड है बी डी सी ए, तीसरा है डी सी ए बी और फोर्थ ऑप्शन है सी ए बी डी। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, उसको आपको चेक करके हमें कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके करेक्ट आंसर से आपका फिर से प्रेजेंट होंगे। प्रश्न नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 को मैच करना है। सूची नंबर 1 में लेखक के नाम दिए हुए हैं और सूची नंबर 2 में उनके कार्य दिए हुए हैं। लेखक कौन कौन से देखते हैं, विलियम डिल्थी, बी जी आर एल्टन, सी फ्रैंक एंकर स्मिथ और डी थॉमस कून। कार्य कौन से हैं, हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फोर्थ थर्ड है हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री
हिस्ट्री और फोर्थ है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। इस तरह से आपको लेखक उनके कार्य को मैच करके आपको मैं नीचे जो 1, 2, 3, 4 में जो इसके ऑप्शन दिए वो मैं चेक करके मैं सेंड करना है कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरह से हमने हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आपके लिए जैसे नंबर 1 में दिए, इनको आपको एक बार फिर से स्टडी करना है और कई तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा इसमें से, वो भी आपको हम जब इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे तब आपको पूरा क्लियर करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से और पूछ सकते हैं। फिर प्रेजेंट होंगे आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। सब्सक्राइब बीएसआई एकेडमी फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।